The importance of agriculture in Haryana is immense, and trying to educate the children about the same, the government schools in Haryana have decided to teach agriculture as a subject. And this would include not only the way the agriculture as a trade is conducted, but also about what crops are seasonal, how crops are grown. Trying to encourage this amongst children, the beginning happened from Gurugram, where agriculture toolkits were distributed to children from the class of 9th to 12th. Now, the main aim of the government to launch this scheme is only to make children self-reliant after studies. Agriculture is a good trade to pursue, and hence the government is trying to encourage children to take an interest towards this trade and become self-reliant, as I said, after studies. कक्षा 10वीं और 12वीं के अध्ययनरत छात्रों और छात्राओं को ये टैब्स देने की योजना दी गई है, और बल्कि ना योजना बनाई गई है बल्कि ये ऑलरेडी स्कूल्स में उपलब्ध करा दिए गए हैं। सिर्फ सिम एक्टिवेशन का कार्य चल रहा है और वेंडर्स भी बता दिए गए हैं कि किस नेटवर्क का किस स्कूल में ये एक्टिवेशन का कार्य होना है। जो हमारी हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में इसको लागू किया गया है, और हमारे विद्यालय में दो कोर्सेज इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। पहला कोर्स हमारा ऑटोमोबाइल जो बॉयज़ के लिए है, और दूसरा हमारा ब्यूटी एंड वेलनेस जिसमें हमारी गर्ल्स एनरोल्ड हैं। आज जो ये किट का जो वितरण है, जो हमारे लेवल 2 और लेवल 4 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए किट दी जा रही है, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि मेक इन इंडिया स्किल्ड इंडिया, इसके तहत ये प्रयास है कि बच्चा ना केवल अपना शैक्षणिक ज्ञान अर्जित करे बल्कि वो अपना व्यावसायिक ज्ञान भी अर्जित करे और आत्मनिर्भर होकर के वो छोटा मोटा कोई अपना व्यवसाय अपना कर सके और उसको रोज़गार मिल सके। जो आज ये कादीपुर गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल में जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं स्किल इंडिया के तहत जो हमारी बेटियां हैं उनको ब्यूटी पार्लर की किट दी जाएगी, और जो बच्चे हैं जो बॉयज़ हैं उनको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किट दी जाएंगी, जिसमें हमारे यहाँ स्कूल में 120 किटें दी जाएंगी, जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो योजनाएं स्किल इंडिया को लेकर चालू की गई है। तो यहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स वगैरह भी कराए गए, और स्किल इंडिया के तहत ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी बच्चों ने जिसमें अपना नाम लिखवा के और उसको जो पूरा किया है, तो उसके तहत सरकार के द्वारा उनको आज लगभग 20,000 की लागत से किट दी जा रही है। 9वीं और 10वीं को एग्रीकल्चर की जो है ना सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो मैं यहाँ उनको लेक्चर देने आता हूँ। आज का जो ये है, वैसे तो ये ऐसे टूल हैं, खुरपा है, दांती है, ये आप तकरीबन है एक दो ऐसे कैंची है, ये माली जो है, ये अगर कोई बीमारी लग जाए फसलों को, कीड़ों को बीमारी लग जाए तो वो दवाई का घोल बना के इसमें डाल के फिर वो स्प्रे करते। ये जो कृषि का जो विषय ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है ना, मेन इसका उद्देश्य यही है कि हर एक को मतलब सर्विस तो नहीं मिल सकती ना हर एक को, कि भाई ऐसा कुछ सिखाया जाए कि अब जहाँ तो झारसे में और नज़दीक तो एक्वायर हो गई जमीन, पर ये बच्चे अगर पढ़ लिख जाते हैं, अगर कुछ कृषि जानते हैं तो कुछ वो अपना ही है जो अपना जो है काम कर सके, मेन एम तो ये है। तो सरकार की जो मंशा है उसे आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट है इन दोनों सब्जेक्टों के प्रति, विशेष रूप से एग्रीकल्चर के प्रति जो इंटरेस्ट बच्चों में अब दिखाई दे रहा है, और मैं मानता हूँ कि आज जो एक किट वितरण का प्रोग्राम है, इस किट वितरण के प्रोग्राम के बाद कहीं ना कहीं बच्चों में और ये आएगी कि हाँ अब कहीं ना कहीं मुझे इस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जो स्कीम है वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि हमारा उत्पादन बहुत अच्छा है देश का कृषि में जो है, तो इन बच्चों को ये इन बच्चों को प्रोत्साहन मिला है तो कृषि क्षेत्र में और अधिक से अधिक काम करेंगे ये बच्चे जो है, और हमारा देश और दिन प्रतिदिन उन्नति करेगा जो है, तो हम यही इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए आए।